हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ आपसे आईक्यू की तरफ से इंडियन मार्केट में आने वाले एक और न्यू स्मार्टफोन की। यस, इंडियन मार्केट में आईक्यू न्यू 5S बहुत ही जल्दी आपको देखने लिए मिल सकता है। बिकॉज गाइस, ये स्मार्टफोन है इंडिया की BIS और 3C सर्टिफिकेशन साइड है वहाँ पर भी लिस्ट हो चुका है, जहाँ पर इसकी जो 100% जो कन्फर्म लॉन्च डेट है और इस प्राइस पॉइंट सब कुछ वहाँ से लीक हो गए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो गाइस, आप को अगर IQ Neo 5S में अगर इंटरेस्ट है तो गाइस आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि IQ की तरफ से IQ Neo 5S होने वाला है वो एकदम फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है। यस, फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है। आपको फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर और यहाँ पर जो स्पेक्स है वो इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या प्राइस रहेगी, क्या स्पेक्स रहेंगे, क्या फीचर्स रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, न्यू हो, तो गाइस हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें एंड गाइस लाइक कर दें, जिससे कि हमारे जो टैक्स रिलेटेड वीडियो और ऐसे ही स्मार्टफोन गैजेट से रिलेटेड वीडियो आपके डिवाइस पर टाइम टाइम मिलते रहें। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं IQ Neo 5S में डिस्प्ले डिज़ाइन की बात करूँ तो गाइस आपको यहाँ पर IQ Neo 5S में डिस्प्ले देखने मिल जाएगी 6.56 इंच की। यस, आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं देखने मिलेगी कि आपको 6.7 इंच की देखने मिल जाए, यानी काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको इसमें डिस्प्ले का साइज देखने मिल जाएगा। उसी के साथ गाइस ये आपको इसमें सैमसंग E4 या फिर आपको यहाँ पर OLED का पैनल देखने मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको इनमें से कोई सा भी डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाता है, यानी आपको सैमसंग E4 की बजाय आपको OLED का पैनल प्रोवाइड किया जाता है, तो गाइस वहाँ पर आपको OLED में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे, यानी वन स्टेप आपको अपग्रेड देखने मिलेगा OLED का पैनल। एंड गाइस, वहीं पर रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो गाइस 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने मिल जाएगा। उसके साथ गाइस, इसका जो डिस्प्ले है उसमें आपको 10 बीट्स का कलर देखने लिए मिल जाएगा। यस, आपको 10 बीट के कलर सेचुरेशन के साथ आपको ये डिस्प्ले आने वाला है IQ की तरफ से। उसके साथ गाइस, मैं यहाँ पर PPI डेंसिटी बात करूँ तो गाइस आपको 405 के समथिंग आपको PPI डेंसिटी देखने मिल जाएगी। एस्पेक्ट रेशियो की बात करूँ तो गाइस आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने मिल जाएगा। HDR एंड वाइड बैंड एल वगैरह सपोर्ट आपको ऑब्वियसली देखने मिल जाएगा। उसके साथ गाइस, इसमें आपको गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आपको इसमें अच्छा खासा GPU देखने मिल जाएगा। गाइस, अब यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो गाइस आपको इसमें फुल ग्लास देखने मिल जाएगा, फ्रंट और बैक में फुल ग्लास देखने मिल जाएगा। वहीं पर गाइस इसके फ्रंट की पर प्रोटेक्शन की बात करूँ तो गाइस आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने मिल जाएगा विक्टस का। तो गाइस इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि IQ की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड गाइस, आपको बैक में कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने मिल जाएगा। वहीं पर गाइस इसके बेजल साइड के बेजल्स की बात करूँ तो गाइस जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको साइड के बेजल्स काफ़ी स्मॉल और जो ऊपर नीचे के चिन्ह हैं वो भी बहुत ही छोटे देखने लिए मिल जाएंगे। कैमरा की चारों ओर, फ्रंट कैमरा की चारों ओर जो आपको कटआउट देखने मिल जाएगा और उसका लेआउट देखने मिलेगा वो एकदम ना के प्रॉपर देखने मिल जाएगा फ्रंट सेंटर में आपको। एंड गाइस, वहाँ पर आपको कंटेंट वॉचिंग करते समय वो फ्रंट कैमरा आपको एकदम गायब सा हो जाएगा, यानी आपको नज़र नहीं आएगा ज़्यादा। बैक पर आपको IQ की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। उसके साथ गाइस, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने मिल जाएगा, यानी आपको ये स्मार्टफोन काफ़ी सॉलिड देखने लिए मिलेगा। हाथ में आप इसे जब भी होल्ड करोगे तो गाइस आपको ये सॉलिड फील देने वाला है। यहाँ पर आपका जो इसमें प्रोसेसर है वो आपका यहाँ पर लीक हो चुका है। यस, इसमें आपको कौन सा प्रोसेसर देखने मिलेगा वो हमें पता चल गया है। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 का पावरफुल प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। यस, आपको IQ Neo 5S 5G में आपको यहाँ पर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, जो कि कॉलकॉम का अभी तक का एकदम लेटेस्ट और एकदम पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर माना जाता है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको हीटिंग का इशू एंड यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी बहुत ही बेटर देखने लिए मिल जाती है। एंड गाइस, उसी के साथ आपको इस चिपसेट के साथ अगर ये हीट होता है बाय द वे तो गाइस आपको इसमें लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा। यस, आपको इसमें लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, जहाँ पर आप इसे ईजिली आप कितनी भी हार्ड जो इसमें डे टू डे लाइफ में हार्ड वर्क कर लो एंड कितनी भी हाई गेमिंग कर लो, आपको यहाँ पर वो इजीली एंड आपको काफ़ी स्मूथली वो आपको वीडियो रेंडरिंग कर लो, फिर आप चाहे वीडियो शूट कर लो, काफ़ी इजीली हैंडल कर लेगा। नो डाउट आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली। एंड गाइस, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 5 nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बनाओ ऑक्टोकोर का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है। इसी के साथ गाइस, ये एक 5G प्रोसेसर है। सो गाइस, आपको इसके अंदर 5G का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है, यानी आपको प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप 2022 में जब भी आपको यहाँ पर 5G देखने मिलेगा तो गाइस आपको यहाँ पर 5G अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर पाओगे। एंड उसी के साथ देखने वाली बात होगी कि IQ इसमें कितने बैंड प्रोवाइड कर पाता है। एंड गाइस, अब यहाँ पर बात करते हैं कैमरा की।
सो गाइस ये एक वीवो का सब ब्रांड है आईक्यू। सो गाइस यहाँ पर वीवो की तरफ से जो भी आपको यहाँ पर कैमरा टेक्नोलॉजी देखने लिए मिलती है वो यहाँ पर आईक्यू है, वो भी अपने स्मार्टफोन में इंप्लीमेंट करता है। यस, यानी आपको वीवो के जो स्मार्टफोन होते हैं उनकी आप आपको हूबहू आपको यहाँ पर कैमरा टेक्नोलॉजी है वो आईक्यू नियो 5S में देखने लिए मिल जाएगी। बिकॉज गाइस यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट देखने मिल जाएगा विथ सोनी IMX766 सेंसर के साथ, ये आपको मेन कैमरा में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस मेन कैमरे की बात करूँ तो गाइस मुझे जहाँ तक लीक्स आ रही हैं कि आपको इसमें 48 का मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। बिकॉज गाइस मैं आपको बता दूँ कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा आईक्यू नहीं यूज़ करने वाला है। बिकॉज गाइस वहाँ पर एक आपको डिफरेंस देखने मिल जाता है अगर आईक्यू इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करता है। सो गाइस वो एकदम पुराना सेंसर हो गया है और काफ़ी टाइम से अदर स्मार्टफोन में भी यूज़ हो रहा है। सो गाइस उसकी टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी यहाँ पर स्लो हो गई है। सो गाइस आपको यहाँ पर न्यू 50 मेगापिक्सल यानी 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा आईक्यू नियो 5S में। उसके साथ गाइस 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा देखने मिल जाएगा। उसी में गाइस मुझे जहाँ तक लगता है कि पेरिस्कोप सेंसर देखने मिल जाएगा। ये 5 मेगापिक्सल के जो कैमरा होने वाला है मैक्रो, उसमें आपको 5 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा में ही आपको जो पेरिस्कोपिक जूम लेंस है वो भी आई की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहीं पर गाइस रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट बात यहाँ पर ही आ जाती है कि आपको यहाँ पर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने मिलता है। उसमें गाइस आपको 8K 30fps का ऑप्शन देखने मिलता है। सो गाइस आपको मुझे जहाँ तक लगता है कि आईक्यू नियो 5S में 8K 30fps का ऑप्शन भी देखने लिए मिल जाएगा। एंड गाइस 4K 30fps और 60fps पर तो आप ऑब्वियसली रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो गाइस आपको यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिल जाएगा। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा वो आपको एकदम टॉप सेंटर में देखने लिए मिलेगा। एंड गाइस फ्रंट कैमरा से आप 4K 30fps पर भी कर पाओगे। चलिए गाइस अब यहाँ पर बैटरी लाइफ और यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। तो गाइस आपको आईक्यू नियो 5S में आपको 4500mAh की बैटरी देखने मिल जाएगी विथ 120W के फास्ट चार्जर के साथ। उसी के साथ गाइस आपको यहाँ पर टाइप सी का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। एंड गाइस मैं यहाँ पर बात करूँ बॉक्स में चार्जर आपको देखने मिल जाएगा। यस, आपको बॉक्स में चार्जर देखने मिल जाएगा। आईक्यू उस उनकी तरह नहीं करने वाला है, वो एकदम देव मानुष या आप कुछ भी कह लो वो एकदम बहुत ही बड़े बन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सैमसंग और यहाँ पर एप्पल की, वो हमें तो कुछ समझते ही नहीं है, यानी बॉक्स में चार्जर ही नहीं प्रोवाइड करते। तो आईक्यू वहाँ पर ऐसा काम नहीं करने वाला है, आपको यहाँ पर चार्जर बॉक्स में देखा आईक्यू। फिर की बात करूँ जैसा कि मैंने आपको बताया 120W की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाती है। अगर आपको 120W की फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है तो ऐसा आप 67W की फास्ट चार्जिंग तो आप कन्फर्म मान करके चल सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो गाइस आपको ईजिली आपका वन डे आराम से निकल जाएगा। एंड गाइस अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो गाइस अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको कितनी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। 3.5mAh की बात करूँ तो गाइस आपको यहाँ पर 3.5mAh मुझे नहीं लगता कि आईक्यू इस बार आईक्यू नियो 5S को स्लिम बनाने के चक्कर में, एंड यहाँ पर ये आईक्यू का फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन भी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें 3.5mAh मिल जाएगा। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। यस, आपको वहाँ पर जो साउंड देखने मिल जाएगा वो काफ़ी अच्छा देखने मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने मिल जाएगा एंड फेशियल लॉक का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। आपको आईक्यू नियो 5S में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा, वो काफ़ी फास्ट होगा। यानी अभी तक के आईक्यू नियो 5 सीरीज या आप आईक्यू सीरीज में कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए, उन सबसे आपको फास्ट देखने मिलेगा। बिकॉज गाइस ये एकदम आईक्यू फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होने वाला। आउट तो दोस्त ये आपको एंड्रॉयड 11 पर देखने मिल जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद ही इसमें आपको बहुत ही जल्द एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा। उसके साथ गाइस आपको यहाँ पर LPDDR 5X UFS 3.1 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। यहीं पर गाइस इसके वेरिएंट की बात करूँ तो गाइस आपको 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB और यहाँ पर 12GB प्लस 256GB का वेरिएंट देखने लिए मिल जाएंगे। ये तीनों वेरिएंट आपको देखने लिए मिल जाएंगे इंडियन मार्केट में। 4GB वाला कोई वेरिएंट नहीं देखने मिलेगा। 4GB 64, 4GB 128GB ऐसा कोई वेरिएंट आपको नहीं देखने मिलेगा। इंडियन कन्फर्म लॉन्च डेट की बात करूँ तो गाइस आपको ये आईक्यू तरफ से मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 नवंबर के आसपास ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। बिकॉज गाइस ये अक्टूबर में आईक्यू नियो 5S अक्टूबर में चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इमीडिएटली इंडियन मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिख। आप नवंबर में कन्फर्म मान कर चल सकते हो कि आपको ये नवंबर में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। एंड गाइस मुझे आईक्यू नियो 5S से रिगार्डिंग कोई भी आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लीक्स और यहाँ पर रूमर्स आते हैं सो गाइस मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गाइस उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए एंड गाइस लाइक कर दीजिए। एंड गाइस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि क्या आप आईक्यू नियो 5S का इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड गाइस कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से बताना। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस ऑलवेज स्माइल।